Hey guys, welcome to Sipu Vlogs. मेरा नाम है चंदन। तो कैसे हो आप लोग? क्या आप इस प्लांट का नाम जानते हो? नहीं तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ। इसका नाम है टैकोमा कैंपेंसिस। इसमें ऑरेंज ऑरेंज से फ्लावर आते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ऑरेंज ऑरेंज फ्लावर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। पास से भी दिखाऊंगा, कुछ सिनेमैटिक्स भी होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सिनेमैटिक्स भी होंगे और भी काफ़ी कुछ होगा। सबसे पहले हम आगे आ जाएं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे मेन थिंग ये है कि इसकी कटिंग भी लग जाती है। अब कटिंग कैसे लगती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये है तो यहाँ पे पास से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ है तो यहाँ से थोड़ी दूर से काट देना है और इन पत्तों को निकालना है और लगा देना है। इसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी मेरे पास कटर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। और इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई है वो मैं दिखा देता हूँ। तो चलो उसकी कटिंग्स भी देखते हैं और भी बहुत मज़े आने वाले हैं, ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। कैमरे से ऐसा है, इसका व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और पोट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको घर में लगाने के लिए कितना डेकोरेट हो सकता है, डेकोरेटिव प्लांट है। और ये ऐसा ही नहीं है, इसका पेड़ भी बन जाता है। अभी यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ कितनी मोटी इसकी जो तना होता है, कितना मोटा है। और हमारे यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पास से देख सकते हैं ये हैं फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स सूख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए ये फ्लावर्स सूख गए हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा ये है। और अब मैं एक प्लांट की और तरफ और चलता हूँ, उसके बाद फिर करेंगे। तो अभी मेरे को कैमरा मोड ऑन करने दो, अपनी फ़ोटो भी तो दिखानी है ना। अब चलते हैं हम दूसरे प्लांट की तरफ जो हमारे पास है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि पास में ही है। तो वो जो है वो थोड़ा सा लंबा है और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा है और इसमें पानी कमी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ही कम डाल देंगे तो वो सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ पास से, तो देखो कैसा है। अभी यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इधर से मैं दिखाता हूँ आपको तो कैसा लग रहा है। ये भी जो प्लांट है वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये लंबा है और इसके जो तने वगैरह हैं वो भी अभी छोटे हैं। तो इसकी भी मेरे ख्याल से चाचा जी ने कटिंग ही लगाई थी, लेकिन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे हैं। तो मैं बता रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कटिंग काटनी है, तो कटिंग कैसे काटनी है और कहाँ से काटनी है अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हैं हमारे पास पत्ते हैं ना, तो यहाँ से जहाँ मेरे थंब नेल है, ये वाला थंब वाला नेल है, यहाँ से काटना है और ये दोनों पत्तों को निकाल देना है और इसको रेतली मिट्टी में लगा देना है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे मेरी कटिंग्स की तरफ। इसका जो व्यू है बहुत ही अच्छा आ रहा है और हमारे यहाँ पे जो अशोका था उसकी भी कटिंग कर दी गई है, तो उसकी कटिंग तो चाचा जी ने की हुई क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप देख ही सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े हम तो कर नहीं सकते, इसलिए चाचा जी ने की थी। और अब बस चल रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक और दिखा दूँ कि ये भी टैकोमा की वैरायटी है, लेकिन इसमें पीले फ्लावर्स आते हैं, शायद आपने देखा हो। नहीं देखा होगा फिर भी मैं व्लॉग का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इस पर व्लॉग बनाया हुआ है, उस पर भी बनाया था लेकिन उसका मैंने बहुत ही कम बताया था, इसीलिए मैं अब इसका बता रहा हूँ। और वो जो व्लॉग है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके देखना, बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको एक जगह पर और ले चलता हूँ, यहाँ से देखिए कितना अच्छा हमारा व्यू आ रहा है, थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है लेकिन उसको भी मैनेज कर लेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा है जो, और मेरा हाथ थक चुका था इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब चलते हैं जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे कहीं ये रही, मैं दिखाता हूँ आपको कटिंग्स। आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये कटिंग्स खुद लगाई गई हैं, यहाँ पे देख लो। तो गाइस ये खुद लगाई गई है, मैंने खुद ही लगाई है। गाइस हमने यहाँ पे रेयर कैमरा मोड ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वैसे पोट दिखाई नहीं देता, तो मैं यहाँ पे निकाल के ये दिखाता हूँ। यहाँ से पास से देखिए, ये है लिफाफे वाला पोट, ये आपको दिख गया होगा। तो ये लिफाफे वाला पोट है, इसी में लगाई गई थी। अभी तो इसकी जड़ें बाहर भी निकल गई होंगी क्योंकि दूर से आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा हो गया और मेरे हाथ यहाँ पे गंदे हो चुके हैं।
तो फ़ोन को कैसे पकड़ा जाए अब सोचा जा रहा है, इसलिए मेरे को हाथ भी धोना पड़ेगा। तो देखिए कितना अच्छा है ये, और डेकोरेशन के लिए आप लगा सकते हैं, इसमें फ्लावर्स बहुत ही अच्छे आते हैं। बस इसका मौसम आने वाला है तो फ्लावर्स बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि पिछले साल भी बहुत ही अच्छे आए थे। अब इसमें भी जब फ्लावर्स आएंगे तो चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो ज़रूर बनेगी। सोचूंगा अगर लॉन्ग वीडियो बना पाऊंगा तो लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो तो आएगी। और ये है चंपा प्लांट, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसकी भी कटिंग, ये भी कटिंग ही है गाइस, बिलीव कर सकते हो। इसमें फ्लावर्स भी हैं और भी सब कुछ है, लेकिन ये लगाई गई है कटिंग बाय मी, मैंने खुद इसकी कटिंग लगाई है गाइस। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कटिंग्स और दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ कटिंग्स और भी लगाई हुई थी छोटी, अभी वो कटिंग्स छोटी हैं लेकिन बहुत ही अच्छी हैं, तो उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रही, ये सूख चुकी है क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला गाइस, इसमें पानी डालने वाला है तो मैं पानी डालूँगा। तो देख सकते हैं, यानी कि अब दिखाई देता हूँ क्या दिखाना क्यों नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये अभी छोटी छोटी कटिंग्स हैं और इसको भी पोट वाले लिफाफे में ही लगाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जा रहे थे किसी और प्लांट की तरफ, अभी मैंने जल्दी ही लगाया हुआ है, वो भी लग गया। तो ये ज़रूरी नहीं है इसकी कटिंग हम अगस्त सितंबर में लगाएं, अभी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब चलते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही कटिंग। तो ये मैंने अभी जल्दी में ही लगाई थी, ये भी लग चुकी है। और यहाँ कहीं से भी ये कट के निकल जाए थोड़ी सी तो कटिंग लग जाती है, इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ख़राब वगैरह ना हो। और भी काफ़ी लगे, जेड प्लांट लगा हुआ है, जेड प्लांट के तो मैंने व्लॉग रिसेंट ही बनाया, देखिए बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी छोटी बोनसाई तो घर में रखने के लिए बहुत ही अच्छी होती। तो चलो अब हम सामने आते हैं। थी कुछ कटिंग्स जो मैंने आपको दिखाई, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी, और आपके घर में टैकोमा प्लांट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत ही हौसला मिलता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अपने जुड़े होने का सबूत दो, जैसे कि मैंने अब प्लांट को लगाने का, उसकी कटिंग्स लगाने का सारा सबूत दिया ना, तो आप भी दो कि हमारे साथ जुड़े हैं आप। तो बस गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।